नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुरानी मीता के इस ब्लॉग में। और देख रहे हैं आप, मैं तो निकल चुकी हूँ आज एकदम रेडी होके। खाली मैं नहीं हूँ, मम्मी भी है, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा तबीयत खराब है तो और हमें हड़बड़ी में निकलना ही पड़ा। उनका जो कान का प्रॉब्लम, मतलब कुछ दिनों से हो रहा था, कान से जो मतलब बोलते हैं ना पीप और पानी निकल रहा था, वो आज वो दर्द दे रहा है। तो दवाई तो हम दे ही रहे थे, उससे वो ठीक हो गया, लेकिन हल्का सा दर्द आज दे रहा। और जो रिविजिट है डॉक्टर के पास, वो भी जाना था। तो जल्दी से हम निकल चुके हैं यहाँ पे, मैं, मेरी छोटी वाली ननद और मम्मी। मम्मी को गाड़ी में बैठते ही ना, एक बोलते हैं ना मोशन सिकनेस बोलिए, और या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब एक डर, तो वो जो है वो काफी होता है। इसीलिए उनको हम मतलब खिड़की के साइड ही बिठाते हैं, और जो है एक कपूर लेके आती है वो, ताकि उनको वॉमिट ना हो। तो काफी ये फीलिंग उनको होती रहती है, तो वो एक टेंशन तो रहता ही है। लेकिन जैसे तैसे हम लोग गाड़ी में करके फाइनली एक सेफ तरीके से पहुंच गए। ये है सॉल्ट लेक एरिया कोलकाता का, तो ये काफी जो है चहल पहल वाला एरिया है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे घोष ईएनटी फाउंडेशन यूनिट पे। यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा ये सब होता है, मतलब कान का ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, मतलब स्पेशल फाउंडेशन वाला जगह है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे ना काफी लोग बाहर से आते हैं, खास करके बांग्लादेश और ये सब जगह से जो है ट्रीटमेंट के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर घोष है वो काफी फेमस है। तो हमें तो कराना था मम्मी का कान का रीचेकअप, और उसके लिए हम आ गए ऊपर। और ऊपर आने के बाद जो है उनसे पता चला कि डॉक्टर अभी आने वाले हैं और बुलाएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इंतजार करना था। हम लोग बैठ चुके हैं और मम्मी भी बैठे, काफी भीड़ भी था। तो फाइनली हमें आ गए हैं डॉक्टर के पास, और आप देख सकते हो इनका जो मतलब बोलता है ना प्रोसेस, वो इतना अच्छा लगा मुझे। इतना अच्छे तरीके से मम्मी को ट्रीट किया, हैंडल किया, और कान में जो मम्मी का जो भी था हर की, वो पहले तो उन्होंने अच्छे से उसको क्लीन किया और हमें प्रॉपरली बताया कि ईयर में एक्चुअली हुआ क्या है। तो जो भी है अभी, तो उसके लिए मम्मी का कान का थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो अभी टाइम है, क्योंकि हमें जाना है बाहर, मम्मी को जाना है बाहर, तो इसीलिए हमने डॉक्टर से कहा कि अभी एक दो हफ्ते के लिए इसको थोड़ा हम लोग रखते हैं दवाई और जो है ड्रॉप के साथ, और उसके बाद जो है हम लोग आने के बाद मम्मी का कान का ये ऑपरेशन कराएंगे। भले ही छोटा सा ऑपरेशन है, उतना टेंशन का कोई बात है नहीं, पर फिर भी उम्र होने जाने से थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है ना। तो जैसे तैसे हम लोग डॉक्टर को वहाँ से आ चुके हैं बाहर, और बाहर निकलते ही ना बहुत मतलब सर दर्द दे रहा था बोल के हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पी रहे थे, और मैं तो कॉफ़ी ली थी, ननद भी कॉफ़ी ली थी, मम्मी को जो है बिना शुगर वाला चाय, और यहाँ पे एक पैटीज आप बोल सकते हो जो वही लिया था, और काफ़ी अच्छा था। मतलब जो यहाँ पे मतलब है ये आप क्या बोलते हैं इसको, कैटरिंग बोलो या फिर कैफेटेरिया बोलो, जैसे भी, लेकिन खाना जो है वो फ्रेश था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जगह में होता है कि खाना बासी होता है, तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है ना। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ पे खा के, यहाँ पे तो देख ही सकते हैं आप कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। सच में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। फाइनली जो है हम लोग जाने के लिए कैब बुक कर चुके हैं, और हमारा कैब जो है आ भी चुका है। आप मम्मी को देख के समझ ही सकते हैं, उनको ना हमेशा ही जो है गाड़ी में बैठने में बहुत ही दिक्कत होता है, फिर भी ट्रैवल करने के लिए तो वो ज़रूरी है ना। तो काफ़ी थक हार के हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, और घर आके जो है थोड़ा देर रेस्ट करके यहाँ शाम को मैं बैठ गई हूँ अपना ही कपड़ा सिलाई करने के लिए। तो ये मैंने ना कुर्ती लिया था कुछ दिन पहले, तो कॉटन का ही है, तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इसको थोड़ा सील लूँ, थोड़ा इसका जो हैंड्स होते हैं तो वो काफ़ी लंबे लंबे थे, तो उनको थोड़ा छोटा ही कर लेती हूँ। तो उसको लेके ही मैं बैठ गई फिर यहाँ पे, और हस्बैंड यहाँ पे बगल में आ गए, चलो मीता मैं तुम्हें थोड़ा देर शूट कर लेती हूँ। मैं बोले तुम भी ना क्या क्या करते हो। शाम से हो गई है रात, और फाइनली वो टाइम आया है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है पूरा दिन का स्ट्रेस निकाल के थोड़ा सा खुशी मना रहे थे, क्योंकि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत गया है। इससे अच्छी और खबर क्या हो सकती है, इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशी का बात, और सेलिब्रेट ना करें वो कैसे होगा। और मेरे घर में तो सब क्रिकेट के दीवाने हैं, तो वो चीज़ मतलब जो लास्ट टाइम मोमेंट था, दिन भर तो लगा ही नहीं था कि इंडिया इतना अच्छे तरीके से जीत जाएगा, तो काफ़ी टेंशन में थे, मैं तो देख ही नहीं थी। तो ऐसे भी चिल्लाते चिल्लाते बेटा इतना जोर से चिल्लाने लगा, मैं गुस्से में ना उसको थप्पड़ ही लगा दी, क्योंकि वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसका गला में लगने वाला था। तो इसी में दोनों में झगड़ा भी हो गया, तो और जो है सेलिब्रेशन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या कुछ भी हो गया। सो चलो फाइनली हम लोगों ने इस बार का वर्ल्ड कप जीत लिया है, और ये ना कितनी खुशी हो रही है, आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी। तो चलो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इतनी अच्छी खबर देख के किसको अच्छा नहीं लगेगा। उफ, अब जाके शांति से सो सकते हैं। चलो टाटा बाय बाय।